हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये छोटे वाले सीम और बैंगन, मटर और टमाटर की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस तरीके से आप सब्ज़ी बना लोगे तो यकीन मानिए इतना टेस्टी बनेगा कि बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। तो मैं सीम को दोनों तरफ से इस तरह से तोड़ के आगे पीछे का और बीच में इस तरह से चीरा लगा के चेक करके धो के ले ली हूँ। सारे सब्जी को मैं धो के रेडी कर ली हूँ पहले से अच्छे से साफ करके। तो अब बैंगन को भी इस तरीके से कट करके दिखाती हूँ। तो वीडियो छोटा सा है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस भी कर दीजिएगा, ऑल पे भी क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, टमाटर को भी कट करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दो टमाटर का इस्तेमाल की हूँ। आप जितना सब्ज़ी बना रहे हैं, कम बना रहे हैं तो आप टमाटर कम भी डाल सकते हैं। और मैं बहुत सारा ये सीम ली हूँ, सेम या सीम जो कि कुछ बोला जाए, हम लोगों के भाषा में से सीम ही ज़्यादातर बोला जाता है। अब इसमें मसाला डाल रही हूँ। तो देखिए मसाला में क्या है, सूखी लाल मिर्ची, लहसुन और सरसों। तो मसाला को आज मैं पीस के डालूँगी, देखिए इस तरह से बिल्कुल देसी तरीके से मैं आपको आज बता रही हूँ सब्ज़ी बनाना। और इस तरह से आप सब्ज़ी बना लेंगे ना तो बिना दाल का ही सारा चावल खा लेंगे, रोटी या चावल किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही मज़ा आता है। अब ले ली हूँ सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म है, इसमें डाल दे रही हूँ एक चम्मच सरसों का दाना। और इस सब्ज़ी को कुकर में बना के दिखा रही हूँ तो और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए बनाना, बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है ये सब्ज़ी। अब इसमें डाल ली हूँ एक बड़े साइज का प्याज और प्याज को हल्का सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसका रंग चेंज हो जाए बस इतना ही प्याज को भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी हमारा भून चुका है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो बस इतना ही प्याज को पकाना है। अब इसमें डाल दे रही हूँ जो कि मसाला पीस के रखी थी, उस मसाले को। तो मसाला जो पाउडर होता है उसका टेस्ट और इस तरह से आप पीस के डालेंगे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप इस तरीके से एक बार सीम की सब्ज़ी ज़रूर बना के खाइए और आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आने वाला है। अब इसके साथ ही डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर और धनिया का पाउडर। तो एक चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर दी हूँ और एक चम्मच ही धनिया का पाउडर दे रही हूँ। धनिया में जीरा भी मिक्स है तो धनिया जीरा का पाउडर इसे बोला जाए। और इसे अच्छे से भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला भी भून चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें डाल दे रही हूँ कटा हुआ टमाटर। टमाटर से इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं दो टमाटर का इस्तेमाल की हूँ। इससे बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खट्टा नहीं बनेगा क्योंकि टमाटर पका हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है टमाटर से। तो आप भी दो टमाटर, तीन टमाटर जितना सब्ज़ी बना रहे हैं उस अनुसार से डाल लीजिएगा। और टमाटर को अच्छे से पकने दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर को पका के कुछ इस तरह से गला ली हूँ। तो टमाटर भी हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ मटर, और मटर को भी मसाले के साथ बस थोड़ा देर, दो से तीन मिनट तक पका ले रही हूँ चला के इस तरह से। तो मटर भी हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कटा हुआ बैंगन। तो बिना भुने हुए बैंगन सीम का सब्जी आप एक बार बना के देखिए, खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह से इसे भी एक से दो बार चला ले रही हूँ। अभी मैं इसके साथ सेम भी डाल दे रही हूँ। और इसी तरह से पहले थोड़ा सा सेम दे के अच्छे से मसाले में मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद बाकी का सेम बचा हुआ इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस भी कर दीजिएगा, ऑल पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल पे बहुत ही इजी तरीके से बनाए जाने वाली रेसिपी का वीडियो मिलेगा, तो आप देख सकते हैं जाके। तो अभी मैं इसके ऊपर सिर्फ ढक्कन रख के और इसे 5 मिनट तक पकने दे रही हूँ, उसके बाद इसमें नमक डालूंगी। अभी इसमें नमक नहीं डाली हूँ, तो 5 मिनट के बाद इसे खोल के चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए सिम हल्का सा सॉफ्ट जैसा होने लगा है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, आप जितना सब्जी बना रहे हैं उस अनुसार से आप जैसा नमक खाते हैं डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ सब्जी को मैं नमक को। तो फ्रेंड्स इसमें मैं एक भी चम्मच पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, फिर भी आप देखिएगा कि सब्जी कितना मज़ेदार बनता है। इसका बनाने का तरीका बहुत ही अलग है, वीडियो को पूरा देख के उसके बाद आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और आप पहले से इस तरह से बनाते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं कुकर को बंद कर दी हूँ और कुकर बंद करने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर दी हूँ, जिससे कि अच्छे से हमारा सब्जी भी पक जाए और सब्जी जले भी ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एक सीटी आ चुका है और कुकर को अच्छे से ठंडा करके उसके बाद इसका ढक्कन खोल लेती हूँ। तो एक सीटी के बाद ढक्कन को हटाई हूँ, तो देख पा रहे हैं सब्जी हमारा सॉफ्ट बन चुका है और इसमें से पानी भी छूट चुका है बिना पानी डाले हुए ही, क्योंकि इसमें नमक पड़ने के बाद सब्जी में टमाटर से पानी निकला होगा और नमक से भी। तो देख पा रहे हैं बहुत अच्छा ये गीला गीला सा है। तो अभी ढक्कन को खोल के 5 मिनट और पका लूँगी, जिससे कि सब्जी थोड़ा सा और सूख जाए, क्योंकि इसे मैं सूखा सब्जी बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है ये पकते हुए सब्जी और ये बहुत अच्छा सा मसालेदार सब्जी आपको दिख रहा होगा। देखिए सारे सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। तो अभी इसे पकाना नहीं है, देख पा रहे हैं बहुत अच्छा से मसाला और सब्जी एक जैसा हो चुका है मिलके एक दूसरे में। तभी मैं इसमें ढेर सारा धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ और धनिया पत्ती डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स करके फिर गैस को बंद कर दूंगी। तो अभी मैं गैस को बंद कर दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बनके तैयार है हमारे सीम बैंगन मटर और टमाटर की मसाले वाली सब्जी, वो भी बिना पानी डाले हुए कुकर में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये चटपटी सी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। इसे आप रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।